वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवन्थ मैथ्स की बुक का चैप्टर 6, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई स्टार्ट कर ही देते हैं, साइमल्टेनियसली चला देती हूँ मैं चैप्टर्स, ठीक है? जिसके स्कूल में जो चल रहा होगा वो आप लोग देखते रहिएगा। तो इसमें हम बेसिक देखते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी कवर हो जाएगी इसमें वीडियो में। साइड्स क्या होती हैं, देखिए ये हमें ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं, तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए से लेकर के बी तक है, ये जो ये है ए से सी है और बी सी। तो ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या है, ये इस ट्राइंगल की साइड्स हैं। और एंगल्स कौन कौन से हुए, तो एंगल हुआ ये देखिए यहाँ पर। अब साइड्स तो आप लोगों को पता लग गई कि साइड कौन सी हैं, एंगल होता है ये वाला, ये ये ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए दो तरीके हैं बेसिकली, या तो आप एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी ऐसे करके लिख सकते हैं तीनों एंगल, या फिर इसका और तरीका भी होता है, वो तरीका थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, मतलब थोड़ा बड़ा तरीका है, बस इतना ही है। क्या होता है कि हमें एंगल ए बताना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल का साइन लगाएंगे, एंगल का साइन होता है टेढ़ा सा एल, बीच में हम लिखेंगे ए, क्योंकि हमें एंगल ए के बारे में बात करनी है। और एंगल ए के इधर इधर कौन कौन से एंगल हैं वो लिख दीजिए। तो कौन कौन से हैं एंगल ए के इधर और इधर, बी है एक तरफ और एक तरफ सी है, तो एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी हो गया। अब अगर एंगल सी निकालना है तो एंगल का साइन लगाओ, बीच में लिखो सी, सी के दोनों तरफ, सी के दोनों तरफ कौन कौन से शब्द आ रहे हैं हमारे, एक आ रहा है बी और एक आ रहा है ए। अब बी निकालना है तो बी बीच में लिखो, बी के दोनों तरफ क्या है, एक तरफ ए और एक तरफ सी। आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल सेम लिखे हैं, बट सेम नहीं है, हम बीच वाला देखते हैं कि बीच में क्या है, वही एंगल होता है। तो ये रहा एंगल। वर्टेक्स का मतलब तो नॉर्मल कोना होता है, तो इसके कोने क्या क्या हैं, ए बी और सी। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये इसके हमारे कोने हैं। तो आपने देख लिया साइड्स, एंगल्स एंड वर्टेक्स, वर्ट्स। तो ये हो गया। अब और कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, देखिए मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है द, ये वाला अगर हम लोग इसको देखें, इस वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी सी को, तो द लाइन सेगमेंट ए डी जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इस वाले ट्राइंगल को देखिए, इसमें ज़्यादा अच्छे से बता रखा है। तो मीडियन क्या है, एक लाइन है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल को ऐसे काटती हुई एक लाइन जा रही है। और ये क्या कर रही है, ये जो सामने वाली लाइन है ये ए से आ रही है लाइन और बी सी पर जा रही है, और ये बिल्कुल इस बी सी को किस में काट रही है, एकदम अब आधे आधे भाग में इसको डिवाइड कर दे रही है। तो मीडियन क्या करती है, मीडियन जिस भी लाइन पर आकर के बनती है वो उस लाइन को हाफ में डिवाइड कर देती है। तो देखिए द लाइन सेगमेंट ए डी जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो लाइन सेगमेंट ए डी जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये बी सी लाइन है, इसके बीच में एक पॉइंट डी है। तो लाइन सेगमेंट ए डी, ए डी लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी सी का मिड पॉइंट को ये जॉइन कर रही है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स ए, तो ऐसे करके ये जा रहा है वर्टेक्स ए पे, इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसको हम ट्राइंगल की मीडियन कहते हैं। तो ये ट्राइंगल है और ये बी है, सी ए और डी, इस तरीके से सीधी लाइन जा रही है, तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। तो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी आ रहा है, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। तो यानी कि क्या मतलब है इसका, कि एक लाइन है जिसको हम लोग इसको मीडियन कहते हैं, मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स, या फिर जिस साइड पर वो जाता है उसको वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यही चीज़ है इसमें, कि जो मीडियन है ना, ये जो सामने वाली लाइन है इसको बिल्कुल आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देती है, मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ये हो गया। अब आता है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए ऑल्टीट्यूड का मतलब, आप जब भी आपको ऑल्टीट्यूड दिखे तो इसका मतलब है 90 डिग्री, जब भी मीडियन दिखे तो मतलब हाफ कर दिया उसने, और जब भी ऑल्टीट्यूड दिखे इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो इस तरीके से जैसे ट्राइंगल है, यहाँ पर देखिए ज़रा, ऐसे ट्राइंगल है ये, और इसमें ऐसे करके सीधी, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन का भी हाफ में डिवाइड नहीं करती है, ऑल्टीट्यूड हाफ में डिवाइड नहीं करता है, मीडियन जो है वो है हाफ में डिवाइड करने वाली। ऑल्टीट्यूड तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो तो सिर्फ 90 डिग्री होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो ये सब हमने देख लिया। और एक्यूट ऑब्ट्यूज, आपको पता है क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलन ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, और आइसोसेलस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं। तो
कैसे याद करने का तरीका है, इक्वी है ना, इसका मतलब है सब इक्वल है। आइसोसेलस मतलब दो इक्वल है, और स्केलन तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जिसमें आइसो आ रहा है उसमें दो है, और जिसमें स्केलिन आ रहा है, क्योंकि आइसोसेलस इसको बोलते हैं और इसको स्केलिन बोलते हैं, तो काफ़ी सेम सा है ना। स्केलिन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, और आइसोसेलस में दो साइड इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमने इसके बेसिक समझे। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज में भी जो हमने अभी समझा है ना, बस उसी का ही आंसर सिंपली हमें देना है। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो साइड में आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इसमें ये देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो पी क्यू आर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल हमें बता रखा है, यहाँ से यहाँ बना देती हूँ मैं, देखो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट का क्या नाम है, डी, ये इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट है, हमें बता रखा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और डी है मिड पॉइंट क्यू आर का। तो जो क्यू आर लाइन जा रही है ना, ये वाली जो लाइन जा रही है क्यू आर, क्यू आर जो लाइन है, इस लाइन का मिड पॉइंट है डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन क्यू आर, आगे समझ। तो अब हमें बताना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन क्यू आर बता रखा है, तो पी एम इज, अब हमें बताना है कि जो पी एम है, पी एम क्या होगा, अब हमें बता रखा है, हम लोगों ने देखा था ये वाली जो होती है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये मीडियन होती है, और जो 90 डिग्री होती है ना, जो किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री होती है, उसको हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो पी एम जो है, ये वाली जो पी एम लाइन है, ये क्या है, पी एम इज ऑल्टीट्यूड। थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो 90 डिग्री बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। और पी डी क्या है, पी डी तो मीडियन है। कैसे हुई मीडियन, क्योंकि हमें बता रखा है डी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से जाती हुई जो लाइन होती है ऊपर की तरफ, वो हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि क्यू डी इज इक्वल्स टू डी आर हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो पी एम, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये ऐसे करके ट्राइंगल बनाएं, तो पी एम ऐसे करके छोड़िए ट्राइंगल, यही है बना हुआ है ना, ये देखिए जो सीधी ऐसे करके डब्बा बना हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो इसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो पी एम क्या है, पी एम है ऑल्टीट्यूड, और पी डी क्या है, ये मीडियन है। अब क्या क्यू एम इज इक्वल्स टू क्यू आर है, देखते हैं ज़रा कि क्यू एम और क्यू आर क्या है। तो ये है क्यू एम है ना, इज इक्वल्स टू ये है एम आर। क्या क्यू एम और एम आर आपको देख के भी नहीं लग रहा होगा कि क्यू एम और एम आर इक्वल है, देखिए क्यू एम इतनी सी है और एम आर इतनी बड़ी है, तो ये इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो ऑल्टीट्यूड्स बन रहा है। इक्वल कौन सी होती है, अगर मीडियन, मीडियन क्या है यहाँ पे, पी डी, पी डी मीडियन है ना, तो इक्वल कौन से होंगे, ये क्यू और एम है, तो क्यू डी इज इक्वल्स टू डी आर इक्वल होंगे, है ना, ये वाला क्यू डी इज इक्वल्स टू डी आर इक्वल होगा, क्योंकि ये मीडियन इसको काट रही है। आ रही है ना आप लोगों को बात समझ, क्योंकि मीडियन इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और ये वाला जो इज डी क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्यू एम ये रहा और एम आर ये रहा, मीडियन थोड़ी ना है, तो ऑल्टीट्यूड से बन रहा है, तो ये इसका नो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोला गया है, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग, हमें इनके रफ स्केच बनाने हैं। तो पहला है ट्राइंगल ए बी सी और बी ई इज अ मीडियन, तो मैं यहाँ पे बनाती जाऊँगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी ट्राइंगल बना लिया, ए कॉपी में बना लीजिए आप लोग अपनी, ए बी सी है ट्राइंगल है, और इसका नाम ए बी सी रख देती हूँ मैं, ए बी और सी। अब बी ई मीडियन है, तो बी ई मीडियन है, यानी कि मुझे बी से एक लाइन ऐसे करके लेकर के जानी है, और यहाँ पर ई नाम दे देना है, और ये क्या है इसकी, ये इसकी मीडियन है। तो सिंपल सा आप लोग कैसे भी बना सकते हैं, मैंने ए बी सी ले लिया है, अगर आपको सही तो बीच में से लाइन बनानी है, सिंपल सा इतना करना है। अगर आपको ऐसे करना है कि ऊपर से ही निकालनी है मीडियन, तो आप इसको ए बी और सी बना सकते हैं, फिर यहाँ से ऐसे करके मीडियन बना सकते हैं बी ई, तो कैसे भी करके कर सकते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बी पार्ट है, एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल बनाना है, और पी क्यू और पी आर और ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल आप बनाना है पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल बनाना है, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों को ट्रायंगल बनाना है कि पी क्यू
और पी आर क्या होंगी, पी क्यू पी आर ऑल्टीट्यूड्स होंगी। तो इसका मतलब कि ये वाला जो है ना, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा ना, तभी ही पी क्यू ये वाली 90 डिग्री हो सकती है और पी आर ये भी 90 डिग्री हो सकती है। क्यों? क्योंकि पी और क्यू और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री हो जाएंगे। इसी तरीके से हो सकता है ये। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम लोगों को ऑल्टीट्यूड बनाने के लिए बोला गया था ना, तो हमारे पास एक ही तरीका है, पी पे ऑल्टीट्यूड बनना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पी पे 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप करिए, पी क्यू और आर है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो पी क्यू भी 90 डिग्री हो जाएगा और पी आर भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से ये बनेगा। अब हमें जो है थर्ड क्वेश्चन है कि एक्स वाई एल क्या है, एक ट्राइंगल है। तो एक्स वाई एल क्या है, एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हम लोग बना रहे हैं एक्स वाई एल, एक्स वाई जेड, सॉरी एल नहीं है, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है। एक्स एल इज एन ऑल्टीट्यूड, एक्स और एल जो है वो एक ऑल्टीट्यूड है। हाँ, एक्स एल ऑल्टीट्यूड है और इज एन ऑल्टीट्यूड इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा। तो ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिए। हम लोगों को बोला क्या है सी पार्ट, कि एक्स वाई एल एक ट्राइंगल है। तो हम लोग बना लेते हैं एक्स वाई एल को एक ट्राइंगल। तो ऐसे करके आप ऐसे बना लीजिए एक्स वाई, और मैं बार बार एल क्यों बोल रही हूँ, जेड है ये, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है और वाई एल इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब वाई एल एक ऑल्टीट्यूड है जो कि ट्राइंगल के बाहर है, ट्राइंगल के अंदर नहीं है, वो ट्राइंगल के बाहर है। तो आप लोग जो ट्राइंगल के बाहर चीज़ होती है उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया था कि एक ट्राइंगल है वाई एक्स और जेड, और उस ट्राइंगल में के बाहर एक ऑल्टीट्यूड है वाई एल। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाहर बना दिया। देखिए एक बार मैं फिर से करके बता देती हूँ आप लोगों को कि एक ट्राइंगल है, यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल है हमारा वाई एक्स और जेड, उसकी जो ऑल्टीट्यूड है ना वो ट्राइंगल के बाहर है और ऑल्टीट्यूड है वाई एल। तो वाई से ऐसे करके लाइन लेकर के जाएंगे, ऑल्टीट्यूड क्योंकि 90 डिग्री होती है, तो ऐसे करके वाई एल 90 डिग्री ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो सी पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर टू का सी पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में हम लोगों को देखते हैं, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल कैन बी सेम। क्या मीडियन और जो है ऑल्टीट्यूड किसी आइसोसेलस ट्राइंगल की सेम हो सकती है क्या? आइसोसेलस ट्राइंगल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौन सा होता है। आइसोसेलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग ऐसा ट्राइंगल बनाएं, आइसोसेलस ट्राइंगल जिसकी मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम हो? तो देखिए बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी। आप लोग अगर उससे बनाएंगे ना स्केल से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये वाली और ये वाली साइड क्या कर दीजिएगा, इक्वल रख दीजिएगा, ठीक है। ये वाला 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये वाला 6 बना दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, एक ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे ऑल्टीट्यूड। तो पता है आइसोसेलस ट्राइंगल की जो ऑल्टीट्यूड होती है ना, वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक ड्रॉ हमने ऑल्टीट्यूड कर दी ए डी। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि ड्रॉ ए डी एज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मेजर द एंगल ए डी सी। ए डी सी को आप मेजर करिए और आप लोग ए डी बी, तो एंगल ए डी सी को आप नाप लीजिए और एंगल ए डी बी को भी आप नाप लीजिए। तो ए डी सी को नाप लो और ए डी बी को नाप लो, दोनों के दोनों क्या आएंगे, दोनों के दोनों आएंगे 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री आएंगे। तो ए डी इज़ अ मीडियन एज वेल एज अ ऑल्टीट्यूड। तो ए डी जो है, ए डी इज मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड बोथ। तो ए डी जो है ना, वो मीडियन भी है और वो ऑल्टीट्यूड भी है। तो ये चीज़ ही इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, अगर आइसोसेलस ट्राइंगल होता है ना, तो उसकी मीडियन और क्या, मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन, हमने इसके बेसिक समझ लिए और एक्सरसाइज 6.1 हमने देख ली। अब आगे के वीडियोज़ में आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।